Welcome to Inside Tax. Here we will learn about the power transmission element and control system. Substation equipment में आज हम जानेंगे circuit breaker. जैसे कि ये circuit breaker का symbol है SLD में, और जैसे पहले बताया था कि circuit breaker क्या है, तो सर्किट ब्रेकर हमारे घर में जो एक स्विच होती है, स्विच बोर्ड में स्विच, वही स्विच है. वो लो वोल्टेज स्विच होती है, ये हाई वोल्टेज स्विच है. और सर्किट स्विच में क्या होता है कि वोल्टेज कम होता है तो स्पार्किंग कम होता है, तो एयर के कारण वो स्पार्किंग डिस्टिंग्विश हो जाता है और वहां पे कुछ नहीं होता है. लेकिन जब हाई वोल्टेज रहता है तो जो आर्क बनती है दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में, वो बहुत हैवी होती है. तो उसके लिए कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चाहिए होते हैं, जैसे कि एयर, ऑयल, वैक्यूम, SF6 गैस, और उसको ऑपरेट करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है. वो न्यूमेटिक हो सकता है या तो स्प्रिंग मैकेनिकल हो सकता है. ठीक है, जैसे बताया कि जो हाई वोल्टेज ब्रेकर्स होते हैं उसमें आर्क होती है. आर्क क्विंचिंग करने के लिए हमारे अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं. तो यहाँ पे ये फीमेल कॉन्टेक्ट है, ये मेल कॉन्टेक्ट है, और ये ब्रेकर का अंदर का हिस्सा है. तो जब भी ब्रेकर ओपन होगा, यानी कि चालू कंडीशन होगा और उसमें से ओपन होगा, तब क्या होगा कि ये दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में इस तरह से स्पार्क होगा. और ब्रेकर के अंदर इस तरह से मैकेनिज्म होती है कि जो वो स्पार्क होता है वो इस तरह से थोड़ा कट हो, और जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो यहाँ से इस तरफ पास होता है, तो ये आर्क जो होती है उसको कट करती है. तो आर्क एक बार कट हो जाए, यानी कि अब वहाँ दोनों के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा और ये ब्रेकर ओपन हो जाएगा. अभी उसके बाद जो मटेरियल होता है डायलेक्ट्रिक मटेरियल, वो उसको फिर से कनेक्ट नहीं होने देता है. तो इस तरह से ब्रेकर का अंदर का मैकेनिज्म, ये पोल के अंदर का स्ट्रक्चर होता है. अभी सर्किट ब्रेकर में हम देखें तो ब्रेकर के टाइप्स कितने होते हैं, तो वो जो टाइप्स होते हैं वो आर्क क्विंचिंग मीडियम के हिसाब से ही ब्रेकर के टाइप्स होते हैं, जिसमें एयर सर्किट ब्रेकर होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, SF6 सर्किट ब्रेकर होता है. अभी जो चल रहा है वो SF6 सर्किट ब्रेकर ज्यादा यूज में है. अभी एयर सर्किट ब्रेकर, तो एयर सर्किट ब्रेकर किस तरह से होता है, तो इस तरह से होता है. इसमें जो ये नीचे टैंक है उसमें प्रेशराइज्ड एयर रहती है. तो जैसे आगे हमने देखा था कि आर्क को क्विंच करने के लिए यहाँ पे एयर का यूज होता है, और यहाँ पे मैकेनिज्म रहता है, यानी कि रोड रहते हैं. यहाँ पे फिक्स कॉन्टेक्ट रहते हैं, बीच में मूवेबल कॉन्टेक्ट रहते हैं. तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो हमने आगे देखा था वो आर्क क्विंचिंग यहाँ पे होता है. और ये ब्रेकर न्यूमेटिक ब्रेकर है, यानी कि एयर प्रेशर से चलता है. तो ये ब्रेकर में आर्क क्विंचिंग का मीडियम भी एयर है और ऑपरेटिंग मैकेनिज्म भी एयर है. नेक्स्ट जो है वो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर. वैक्यूम सर्किट ब्रेकर अप टू 33 kV यूज होता है. वो इंडोर पैनल में रहता है, और ये जो है वो ब्रेकर है, उसके अंदर वैक्यूम बोतल्स रहती है, और बोतल जो होती है उसके अंदर वैक्यूम रहता है. और जब भी वो दो कॉन्टेक्ट ओपन होते हैं तो बीच में वैक्यूम होने की वजह से वहाँ पे स्पार्किंग क्विंच हो जाता है, और लो वोल्टेज में ये काम करता है. तो इस तरह से वैक्यूम सर्किट ब्रेकर काम करता है. उसके बाद जो आता है ऑयल सर्किट ब्रेकर. तो
जैसे इसको बोलते हैं BOCB, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, यानी कि ज्यादा ऑयल भरा हुआ होता है और उन दोनों के बीच का कांटेक्ट जो होता है वो ऑयल के अंदर रहता है। और अलग है एक, उसके बाद का जो ब्रेकर आया है वो है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो वो आगे आएगा, दिखाऊंगा मैं उस सर्किट ब्रेकर जो अभी यूज में है। तो ये जो है वो SF6 सर्किट ब्रेकर है, साइज में बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, मैकेनिज्म छोटा सा है और उसका जो पोल्स होते हैं वो भी छोटे होते हैं और उसके अंदर SF6 गैस भरा हुआ होता है। उसमें भी ऊपर जो होता है वो फिक्स कॉन्टेक्ट होता है, नीचे जो होता है वो मूवेबल कॉन्टेक्ट होता है, और जो मूवेबल कॉन्टेक्ट ओपन होता है तो यहाँ पे वो आर्क क्विंचिंग होता है। और उसके बाद एक एक्स्ट्रा होता है कि ब्रेकर में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस रहता है हायर वोल्टेज में, जैसे कि 220 kV एंड अबव। तो उसमें क्या होता है कि अपना जो ब्रेकर होता है उसमें इंटरप्टर होता है कि जो आर्क क्विंचिंग करता है, तो उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होता है और कभी कभी कैपेसिटर भी रहता है। वो क्या करता है कि रेजिस्टेंस होता है तो जब भी ब्रेकर ओपन होता है तो रेजिस्टेंस ये जो अपना ओपनिंग कांटेक्ट है उसके बीच में आ जाता है, तो जो स्पार्क होता है वो थोड़ा कम इंटेंसिटी में होता है, तो वो क्विंचिंग करने में थोड़ा इजी रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज होता है और कभी कभी कैपेसिटर भी यूज होता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर में, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में बताया था, तो जो यहाँ पे दिखाया गया है वो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर है। आप देख सकते हैं कि SF6 से थोड़ा बड़ा है, ये उसका मैकेनिज्म है और यहाँ पे ये पोल्स है। तो सेम ये जो ब्रेकर है वो SF6 ब्रेकर की तरह ही होता है, ऊपर में फिक्स कांटेक्ट होता है, नीचे में अपना मूवेबल कांटेक्ट होता है और यहाँ पे अपना आर्क क्विंचिंग होता है। लेकिन ये साइज में थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि जो एयर है, ये अपना ऑयल है, तो वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल SF6 से थोड़ा कम वो होता है कैपेसिटी का, तो थोड़ा बड़ा रहता है। और यहाँ पे जब भी आर्क क्विंच होती है तो बीच में ऑयल आ जाता है और वो ऑयल फिर से ब्रेकर को क्लोज नहीं होने देता है। यहाँ पे दिखाया है कि अंदर में कांटेक्ट कैसा होता है, तो ये जो है वो मूवेबल कांटेक्ट है, ये ऊपर वाला है वो फिक्स कांटेक्ट है और ये बीच में आर्क है। तो ये आर्क, तो यहाँ पे क्या होता है कि नीचे से ऑयल आएगा और ये बीच में से निकलेगा, तो ये स्पार्किंग जो है अपना आर्क वो क्विंच हो जाएगा। सिटी वाले वीडियोस में हमने देखा था कि सिटी में प्राइमरी में करंट पास होता है तो सेकेंडरी में उसके प्रपोज नेट में करंट निकलता है और वो करंट रिले में जाता है और रिले ब्रेकर को कमांड देता है ट्रिप के लिए। तो यहाँ पे वो दिखाने की कोशिश किया है कि जैसे यहाँ पे 300 एम्पियर पास होता है तो यहाँ से 1 एम्पियर सेकेंडरी में, और जो सीटी और ब्रेकर का रिलेशन है वो इस तरह से होता है कि सीटी जो है वो रिले में जाता है, रिले में एक कॉन्टेक्ट रहता है वो क्लोज होगा, वो क्लोज होगा और यहाँ पे अपना बैटरी जो 110 वोल्ट या 220 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे रहता है और रिले के अंदर ये कांटेक्ट होता है कि जो ये कांटेक्ट अगर क्लोज होगा तो ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से वो होगा। यहाँ पे एक करंट है वो पास हो रहा है, करंट पास होगा तो उसकी फॉल्ट करंट, तो उसकी वजह से अपना ये जो कांटेक्ट है वो क्लोज हुआ। फिर से देखते हैं, देखिए ये करंट यहाँ से पास होना शुरू हुआ, फॉल्ट करंट, तो यहाँ पे ये कांटेक्ट क्लोज हुआ है और क्लोज होने की वजह से ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो सर्किट दिया गया है वो पूरा ब्रेकर का ट्रिपिंग एंड क्लोजिंग सर्किट है कि ब्रेकर ट्रिप कैसे होगा और क्लोज कैसे होगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये क्लोजिंग कॉइल है और ये ट्रिपिंग कॉइल है,
ये ट्रिपिंग कॉइल है और ये ट्रिपिंग कॉइल है, ठीक है। तो इस तरह से सर्किट होता है ब्रेकर का, वो कंट्रोल वायरिंग में हम देखेंगे कि ब्रेकर के साथ अपनी पैनल का कनेक्शन कैसे होगा, और हम ये सारे कॉन्टेक्ट्स देखेंगे कि ये जो वायर्स है वो पैनल के साथ किस तरह से लगेंगे। जैसे बहुत सी कमेंट आई है कि हमें वायरिंग कैसे होता है वो जानना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सुपरविजन कैसे होता है, ब्रेकर का रिमोट क्लोजिंग कैसे होता है, ऑटो रिक्लोजिंग कैसे होता है, और इंटरलॉक्स क्या है, ठीक है। ओके देन काइंडली वॉच द नेक्स्ट। सो इन दैट वीडियो हम ब्रेकर का जो वायरिंग है उसके बारे में बात करेंगे। ओके थैंक यू, काइंडली वॉच द नेक्स्ट वीडियो।